चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन 11 अप्रैल 2024 को है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। नवदुर्गा के 9 रूपों में मां चंद्रघंटा तीसरा देवी हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा व साधना के लिए नवरात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि में श्रद्धा भाव से मां भगवती की आराधना करने से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को हुई है और नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 11 अप्रैल को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां चंद्रघंटा हैं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। इनकी सवारी सिंह है और इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधना करने वाले का मन मणिपुर चक्र में स्थित होने के कारण उसे विलक्षण प्रतीति होती है। वातावरण सुगंध में हो जाता है और विशेष ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। इनका मंत्र है कुटीचक्रद्वारिभाचंडोपास्तुकेलिका प्रसादं जनिते मह्यं चंद्रघंटति विश्विका प्रसादं जनिते मह्यं चंद्रघंटति विश्विका। मां चंद्रघंटा का स्वरूप माता का रंग स्वर्णीय है। वो कांति से उत्प्रोत हैं। इनके शरीर से निकलने वाली घंटा ध्वनि से भूत प्रेत शत्रु आदि ये सब भाग जाते हैं। वो अपने भक्तों को निडर और भयहीन बनाती हैं। सदा शत्रुओं का मर्दन करने वाली माता का स्वरूप सौम्य और शांत है। शरणागत घंटे की ध्वनि सुनते ही आश्वस्त हो जाता है कि माता उस पर कृपा अवश्य बरसाएंगी। इनकी सौम्यता और शांत चित्त का प्रभाव भक्तों पर भी पड़ता है, उसका शरीर भी प्रकाशमय हो जाता है। माता की आराधना अति शुद्ध पवित्र और निर्मल मन से करनी चाहिए। सांसारिक क्लेशों से मुक्ति का उपाय है माता के शरण में जाना। इसी में हमारी भलाई है। देवी पुराण के अनुसार आज 3 कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और स्त्रियां इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।